स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी के एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग लगातार जो जीवन परिचय है क्लास 12 हिंदी का उसे क्लियर करेंगे। आज हम लोग पहले पार्ट का जो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय है उसको हम लोग पूरा देखने वाले हैं। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, जितना मैं बता रहा हूं अगर आप लोग इतना लिखोगे तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए शुरू करते हैं। देखो जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बता रहा हूं, ठीक है। शॉर्टकट में बताऊंगा, बहुत लंबा नहीं रहेगा, ठीक है। देखो डॉक्टर अग्रवाल या आप लोग लिख सकते हो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, का जन्म सन 1904 ईस्वी में। देखो इनका जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में। कहां हुआ था, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो मेरठ है, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो अग्रवाल जी का जन्म जो 1904 ईस्वी में कब हुआ था, 1904 ईस्वी में, ठीक है, मेरठ जनपद के खेरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, बस क्लियर हुआ। देखो इनके माता पिता जो थे स्टूडेंट लखनऊ में रहते थे, ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इन्होंने काशी, देखो काशी विश्वविद्यालय से, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एम ए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। मतलब इन्होंने एमए जो था काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और यहाँ जो आपका है ये आपका देखो लखनऊ विश्वविद्यालय से जो आपका प्राचीनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध से डीलिट की उपाधि प्राप्त की, मतलब जो डीलिट की उपाधि होती है उसे प्राप्त किया, ठीक है। इन्हें देखो किस किस विषय का ज्ञान था, इन्हें जो था पाली विषय, संस्कृत विषय, अंग्रेजी विषय आदि और सारे विषयों का भी गहन अध्ययन किया था, ठीक है। मतलब हिंदी और आपका देखो पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। देखो ये इन 3 सब्जेक्ट का अध्ययन किए थे और भी सब्जेक्ट का अध्ययन किए थे। देखो डॉक्टर अग्रवाल केंद्रीय सरकार, यहाँ केंद्रीय सरकार, ठीक है, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालन पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। मतलब जो आपका डॉक्टर अग्रवाल जी हैं वो केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालन पद, मतलब ये संचालन पद पर भी कार्य किए थे, तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष, मतलब दिल्ली के जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें अध्यक्ष भी रह चुके थे, ठीक है, और आचार्य पद पर, और ये आचार्य के पद पर भी थे, ठीक है, पर भी कार्य किया। मतलब इन 3 चीजों पर इन्होंने कार्य किया था, मतलब अपना जीवन यापन इन 3 चीजों पर किया, ठीक है। और महान पंडित एवं साहित्यकार का जो मृत्यु हुआ सन 667, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए, 1967 ईस्वी में ये परलोक सिधार गए और जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, ठीक है। अब 1967 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने परलोक सिधार लिया और 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो कितने वर्ष जीवित रहे, यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ आपका 6 आएगा, कुल 63 वर्ष ये जीवित थे, ठीक है। तो ये केवल 63 ईयर जीवित थे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। देखो इनके जीवन परिचय में बस इतना ही लिखना है, ठीक है, क्या, देखो यहां से आप लोग नोट कीजिए। पहले डॉक्टर अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता माता पिता जो थे लखनऊ में रहते थे। इन्हें मतलब काशी विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राचीनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। इन्हें पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था और इनकी मृत्यु आप लोग याद कर लीजिए 1967 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका जीवन परिचय इतना ही लिखना है, फिर हम लोग आएंगे डायरेक्ट साहित्यिक परिचय में, ठीक है। मतलब दोनों लिखना ही लिखना पड़ेगा आप अगर क्लास 12th में हो तो साहित्यिक परिचय आप लोग इनका समझ लीजिए, मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है साहित्यिक परिचय। देखो इनकी जो साहित्यिक परिचय है वो समझो,
वासुदेव जी ने अपना पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में रचनाएं लिखने में व्यतीत किया। मतलब जो वासुदेव जी थे उन्होंने अपना जीवन जो है साहित्यिक रचना, जो साहित्यिक रचना होती है, साहित्यिक रचना को संस्कृत और हिंदी, जो संस्कृत होता है, और हिंदी रचनाओं में लिखने में व्यतीत किया। मतलब साहित्यिक रचना को हिंदी और संस्कृत रचना में लिखने में व्यतीत किया। ठीक है, तो ये है। अब आगे देखिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे देखो, इन्होंने अपने निबंधों में ठीक है, प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। ठीक है, मतलब इन्होंने इन तीन चीजों का अपने मतलब निबंधों में उद्घाटन किया। ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए, मतलब आपको इन तीन चीजों का उद्घाटन किया था इन्होंने निबंधों में, जो है प्रागैतिहासिक और वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, इन्होंने बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। मतलब जो बाणभट्ट ठीक है, इनके मतलब हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इनका जो हर्षचरित इनके सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ आपका कंप्लीट क्या क्या हुआ, देखो, नंबर एक जीवन परिचय। यहाँ देखो, मैंने आप लोगों को पहले इनका जीवन परिचय पढ़ाया। ठीक है, जीवन परिचय और प्लस आपका साहित्यिक परिचय। ठीक है, खत्म हुआ। अब आती है इन्हा आपको साहित्यिक परिचय और प्लस रचनाएं आपको लिखना पड़ता है, रचनाएं। ठीक है, रचना देख लें। ठीक है, तो रचना को देख लो, नोट जरूर कर लेना स्टूडेंट, ऐसा आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना अच्छा नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बनवा दूंगा, क्योंकि आप लोगों को इतना अगर लिखोगे तो आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, शॉर्टकट में है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब अच्छा आप लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा अगर आए जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो देखो, फिर देखो, इनकी जो रचनाएं हैं, कल्पना, कला और संस्कृति, ठीक है, और कल्पवृक्ष और भारत की एकता, कल्पवृक्ष और भारत की एकता। तो इनकी रचना भी नोट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 रचनाएं मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं कंप्लीट हुई। आप लोगों को बाबा स्टडी सेंटर पर क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सबकी आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और हाँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर नोट नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, तो अभी से आप लोग नोट बना लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को कई बार आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बस। तो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।